ഇപ്പോൾ ഗംഗാനദിയെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാശിധാം ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങുകൾക്കായി നരേന്ദ്രമോദി വാരണാസിയിലെത്തി. കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോദി ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं. ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है. और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई. इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान शिव भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे. क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है. और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है, वो आप में समाहित होता है. निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है. जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके. और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बरबर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा. माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को शहीदों को तर्पण करते हुए समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं. और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया. तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जल जल जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है. और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का अभिलाष ചേർന്ന അഭിലാഷ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ അപർണ. വാരണാസിയുടെ വികസനത്തിൽ നാഴിക കലാവുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിലയിരുത്തലുമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ 1000 കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 3 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. 50 അടി വീതിയുള്ള ഇടനാഴി ക്ഷേത്രത്തെയും ഗംഗാനദിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 5.5 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലത്താണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗംഗാനദി തീരത്ത് നിന്ന് കേവലം 400 മീറ്റർ നടന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഗംഗാ ആരതിയോടുകൂടി 6 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഗംഗാ ആരതിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുക. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് അടക്കം 51,000 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാശി ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രദർശന ഹാളുകൾ, ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ഓഫീസ് എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റി മ്യൂസിയം, കാശിയുടെ പുരാണം വ്യക്തമാക്കുന്ന വാരണാസി വെർച്വൽ ഗാലറി, ഓഡിറ്റോറിയം, ഭക്തജനങ്ങൾക്കും പുരോഹിതർക്കുമുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. ഫുഡ് കോർട്ട്, അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ ലൈബ്രറി, ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ സെന്റർ,
ഇങ്ങനെ ഈ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെയുള്ള വികസന മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ വാരണാസിയിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്ര ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ये तमाम जो क्रियाकलाप जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है. भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्य देव का आह्वान करना, माँ गंगा की आरती करना और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए. हर रूपाम सिंधु कोटीर चूड़ाम कलित सित दुकुलाम जानवीताम नमामि. माँ गंगा श्वेत मकर जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं उस पर विराजती हैं. वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, तीन नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं. ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है. स्वयं माँ गंगा के भी तीन नेत्र हैं. उनके दो हाथों में भरे हुए कलश हैं और दो हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं. भक्तों के लिए परम इष्ट हैं. वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ. ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप जिसमें आप स्नान करते हुए माँ की उस छवि का दर्शन करते हैं. उसके बाद देव नदी श्री गंगा जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्ला सयंतीम स्वरलोकादा पतंतीम कनक गृह गुहगंड शैलास खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरित चय चमूर निर्भरई भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु. जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं, महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्गलोक से गिरने वाली सुमेरु की गुफा और पर्वत माला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें, इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ माँ गंगा में स्नान, माँ गंगा में जप और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, माँ गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. अजय, आपने एकदम सही कहा, ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर माँ गंगा की गोद में माँ गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए. ये संकल्प के सिद्धि का समय है, ये कर्मयोगी का आदियोगी को कार्यांजलि देने का क्षण है और सबसे बड़ी बात यह है ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए. ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए दान में दिए गए शिखर आज के इस आयोजन में. രണ്ടായിരത്തി 2019 മാർച്ച് 8 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ തറക്കല്ലിട്ട 339 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വാരണാസിയിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കാണ് ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക. ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇന്ന് ഗംഗാ ആരതി ചടങ്ങ് നടത്തിയതിനു ശേഷം കൂടിയാണ് കാശി ധാം ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പൂർണ്ണമാകുക. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടക്കമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട്.
with this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, after taking the holy dip in the sacred river Ganges, now heads to. और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहां पर इस धाम में, और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है। ये एक साधना स्थली है, साधकों की स्थली है, और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है, और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी, और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने माँ गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं, कलश में उन्होंने जल लिया है, और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे, और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं, और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई, हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी, तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल निर्मल गंगा को बनाने के लिए वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं, मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया, और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में वो वाराणसी में वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है, ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है, भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है, यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है, यहाँ पर भवं भवानी आसन्न है, यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है, और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है, मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है, सहजता वेशभूषा है। പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാശിയിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത്. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കാണുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് 18 ഡോട്ട് കോം.